गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर च शौर्य वंदन दिवस मनाया गया। समागम दौरान कैप्टन जोगिंदर यादव विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके देश लिए अपनियां जानां वारन वाले 25 फौजियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस मौके बोलदिया परमवीर चक्र कैप्टन जोगिंदर यादव ने कहा कि कारगिल की जंग दौरान उन्होंने यूनिट के 40 फौजी शहीद हो गए सन। इस जंग दौरान कुल 527 फौजियों ने अपनी जाना देश को राखी लिए कुर्बान कर दी सन। उन्होंने दसिया कि शौर्य वंदन समागम की शुरुआत नागपुर तो हुई सी। वो वीर माताएं आपके सम्मुख जब आई, आपने उनका सम्मान किया, आपने एक चीज नोटिस किया, कोई 21 साल का, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई मंगनी करके गया था और किसी की शादी को एक महीना हुआ था, किसी को दो महीना हुआ था। उन्होंने मौजूदा समय नौजवान पीड़ित नशियां प्रति वध रहे रुझान से चिंता प्रगटाई। अग्निवीर योजना की शलाघा करदे उन्होंने कहा कि मौजूदा समय नौजवान पीढ़ी को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के नाल अग्निवीर योजना नौजवान देशभक्ति की भावना भी उजागर करती है। कथा एलन परिवार द्वारा कारगिल युद्ध के रणबांकुरों के सम्मान में उनके परिजनों का सम्मान और जिसमें 25 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर वहां पे जो उनका सम्मान किया गया। कुल मिलाकर पांचवा हमारा आज वैनिफा जहां हमने कार्यक्रम को आयोजित किया, इसका सर मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है जो सच में कहीं अपने आप के लिए प्रेरणा ढूंढ रही होती है और प्रेरणा कहीं और जगह जाके ढूंढ रही होती है, उसे सच्चे हीरो से प्रेरणा मिले, उनकी कहानियों से प्रेरणा मिले,